वेलकम टू माई क्लास एनल। इस वीडियो का टॉपिक है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हम डिस्कस करेंगे इसको 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 और इसको। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, हमने बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है और फिर उसको आंसर को बताना भी है कि क्यों है ये करेक्ट। ओके, 2 tan 30° बाय 1 plus tan square 30° किसके इक्वल होता है, तो हम उसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे कि 2 tan 30° को ऊपर लिख लेंगे। ये हमारे पास बाय का मतलब क्या है कि ये लाइन है, इसका मतलब है हमने इसको डिनोमिनेटर में लिखना है, नीचे लिख देना 1 plus tan square 30° को। लिख लिया, फिर 10 30° किसके इक्वल होता है, 1 by square root 3 के। ये टेबल है, टेबल को देखें तो 10 30° किसके इक्वल है, 1 by square root 3 के। तो हम यहाँ पर क्या करवा देंगे, सब्स्टिट्यूट करवा देंगे, 10 30° किसके इक्वल है, 1 by square root 3 के, तो वो यहाँ पर लिख देंगे, 2 का 2 आ गया, 10 30° की जगह 1 by square root 3 आ गया। डिनोमिनेटर में आ जाए तो 1 का 1 आ जाएगा, प्लस का प्लस, 10 30° है 1 by square root 3 के इक्वल, और यहाँ पर स्क्वेयर है तो स्क्वेयर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में square root 3 का square root 3 आ गया, 1 का 1 आ गया, प्लस 1 by square root 3 का होल स्क्वेयर है, तो इसका क्या मतलब है, स्क्वेयर इधर भी अप्लाई होगा और इधर भी होगा, तो जब इधर होगा तो 1 का square 1 ही आ गया, और जब square root से पे अप्लाई हुआ तो square root से कैंसिल हो गया, 3 का 3 आ गया। फिर क्या आ गया, 2 by square root 3 ही आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कि कुछ नहीं है, 1 है 1, और 3 का LCM लेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 है 1 के टेबल में 3 कितनी टाइम्स आता है, 3 ज़्यादा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 आ गया। ये जस्ट इतना समझ लें, जब हम LCM का ही काम कर रहे होते हैं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, तो हम जस्ट क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के इधर लिख देते हैं। इसी तरह जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर एज इट आ जाता है, 2 by square root 3 है वो वैसे ही आ जाएगा, 3 में 1 को प्लस किया 4 आ गया, डिनोमिनेटर में 3 आ गया, देन 2 by square root 3 तो वैसे ही आ गया, और 4 by 3 है तो 3 by 4 आ जाएगा, इस तरह ये उल्ट जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 कितनी 4 होता है 2 ज़ार, और यहाँ पर 3 1 3 आ गया, और यहाँ पर 2 का 2 आ गया, और square root 3 आ गया यहाँ पर। फिर 3 by square root 3 किसके इक्वल होता है, square root 3 के, और ये 2 का 2 आ गया, समझ आया, इस 3 by square root 3 की जगह square root 3 आ गया और ये 2 का 2 आ गया। तो मैंने बताया हुआ है क्योंकि 3 by square root 3 को सॉल्व करने से कैसे square root 3 आता है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 3 by square root 3 क्या है, 3 का 3 आ गया, square root 3 को हम सॉल्व करते हैं तो 3, और स्क्वेयर रूट को सॉल्व करें तो 1 by 2 आ जाता है, ऐसा ही है। फिर हमारे पास जो है दोनों की बेस सेम है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लेना है, 3 एक दफ़ा ही बेस लिख लेनी और इनकी पावर्स को सॉल्व कर लेना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे पावर 1 होती है, 1 लिख लिया, और यहाँ पे जब ये नीचे से इसकी पावर ऊपर आएगी तो -1/2 आ गया, समझ आया, 1/2 है तो ऊपर आके क्या होगी, -1/2। फिर यहाँ पर भी LCM ले लिया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 2 और 1 के LCM लिया तो 2 आ गया, और सिंपल मैंने आपको क्या कहा था, इन दोनों को 2 और 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लें, जब डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लें, माइनस का माइनस, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट का एज इट आ जाएगा, 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आ जाएगा, और नीचे 2 का 2 आ गया। अब 3 की पावर 1/2 है तो वो square root 3 के इक्वल है ना, जैसे हमने कहा यहाँ पर कि square root 3 किसके इक्वल है, 3 की पावर 1/2 के। ओके, तो इसी तरह 3 की पावर 1/2 को हमने दोबारा इसमें कन्वर्ट कर दिया square root 3 में, तो इसलिए 3 by square root 3 किसके इक्वल आ गया, square root 3 के। अब आगे भी ये होगा तो आपने याद रखना कि 3 by square root 3 square root 3 के इक्वल है, square root 3 ऊपर आ गया और 2 का 2 डिनोमिनेटर में आ गया। अब square root 3/2 हमने सॉल्व किया इसको, तो हमारे पास क्या आया, square root 3/2। तो हम अगर देखते हैं कि sin 60° किसके इक्वल होता है, तो यहाँ से देखें टेबल से, तो sin 60° किसके इक्वल है, square root 3/2 के, तो हमारे पास square root 3/2 आया था, तो इसलिए हमने कह दिया कि square root 3/2 क्या है, हमारे पास sin 60° क्या होता है, square root 3/2 के, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि cos 60° तो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/2 के, तो हमारे पास ये आंसर तो नहीं ना आया, हमारे पास तो square root 3/2 आया, इसका मतलब ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। 10 60° किसके इक्वल होता है, square root 3 के, तो हमारे पास square root 3 नहीं आया, square root 3/2 भी आया, इसलिए ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। sin 30° किसके इक्वल होता है, 1/2 के, तो हमारे पास ये भी आंसर नहीं आया, इसका मतलब क्या है, square root 3/2 आया है, और वो किसके इक्वल है, sin 60° के, तो हमने इसको जो है टिक कर दिया। नेक्स्ट आ जाए, इस पर आ जाएँ तो क्या है, 1 minus tan square 45° बाय 1 plus tan square 45° ये किसके इक्वल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 0। 0 कैसे है कि हमने यहाँ पर लिखा ये,
तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर तो ज़ीरो है। ज़ीरो कैसे आया, ये जो है हमारे पास प्रॉब्लम वो हमने यहाँ पर लिख ली। तो हम टेबल से देखते हैं, तो टेन 45 डिग्री किसके इक्वल है, टेन 45 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल है। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर 1 का 1 माइनस का माइनस, टेन 45 डिग्री की जगह हमारे पास क्या आ गया 1, और टेन स्क्वेयर भी था तो इसलिए इधर स्क्वेयर आ गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में आ जाए तो 1 का 1 प्लस का प्लस, टेन 45 डिग्री 1 के इक्वल है 1 आ गया, स्क्वेयर भी है तो स्क्वेयर आ गया। समझ आया, 1 का 1 माइनस का माइनस, 1 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नीचे आ जाए तो 1 का 1 प्लस का प्लस, 1 का स्क्वेयर 1 आ गया। 1 में से 1 को माइनस करें तो 0 आ जाएगा, 1 में 1 को प्लस करें तो 2 आ गया, 0 को 2 से डिवाइड करें तो 0 आ गया। अब 0 आ गया है तो 0 को आपने टिक कर देना है। ओके, अब देखिए तो हमारे पास टेन 90 डिग्री जो है वो भी 0 के इक्वल नहीं है। टेन 90 डिग्री ये है, टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये नहीं है। फिर 1 जो है 1 भी नहीं है क्योंकि हमारे पास 0 आंसर है। और साइन 45 डिग्री देख लें तो वो साइन 45 डिग्री भी 1 बाय स्क्वेयर रूट 2 के इक्वल है, तो हमारे पास ये भी आंसर नहीं आया। और ये है लास्ट जो इसका ऑप्शन है वो 0 है, तो हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 0 ही आया था। इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट ये देखें, अब ये वाला क्या है, साइन 2a इक्वल टू साइन a इज़ ट्रू। ये कब ट्रू होगा, जब a की क्या होगी, a किसके इक्वल होगा, 0 डिग्री के, 30 के, 45 डिग्री के, 60। तो ये 0 डिग्री इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों है वो, इसलिए है कि अगर हम कह देते हैं कि इक्वल टू 0 डिग्री है, और 0 डिग्री पुट करने से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के, इसका क्या मतलब है कि ये सही है। तो हम 0 डिग्री भी पुट करेंगे, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री। तो हाँ, 0 डिग्री ही पुट करने से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। कैसे, a इक्वल टू 0 डिग्री, फिर हम कह रहे हैं कि अगर, तो हम a इक्वल टू 0 डिग्री कह देते हैं, फिर साइन का साइन आ जाएगा 2a इक्वल टू 2 साइन a लिख लिया। अब सब्स्टिट्यूट करवा देंगे वैल्यू साइन का साइन, 2 का 2, a किसके इक्वल है 0 डिग्री के, 0 डिग्री लिख लें, इक्वल 2 का 2 साइन, और a किसके इक्वल है 0 डिग्री के, वो लिख लिया। अब साइन का साइन आ जाएगा 20 जर क्या आ गया, 0 आ गया, 0 डिग्री और इक्वल 2 का 2 साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री ही आ जाएगा। साइन 0 डिग्री किसके इक्वल हो गया हमारे पास, यहाँ पर देखें टेबल से, तो साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होता है 0 के ही। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 और 2 का 2, साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल आ गया, 20 0 हो गया, 0 का 0 आ गया, 0 इक्वल टू 0, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। इसका क्या मतलब है, ये सही है। जब 0 पुट करवाया हमने, 0 को जो है कह दिया कि 0 a किसके इक्वल है 0 के, और फिर 0 डिग्री को पुट किया तो 0 इक्वल 0 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। 30 पुट करते हैं तो आपके पास यहाँ पर स्क्वायर रूट 3/2 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब, और आगे भी अगर आप पुट करके देखते हैं 45 डिग्री भी और 60 भी, तो आपका नहीं राइट आंसर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल नहीं आएगी लेफ्ट हैंड साइड के। तो इसलिए 0 डिग्री ही इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे आ जाएं तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, tan 60 डिग्री। अब वो कैसे है, तो पहले यहाँ पर लिख लें प्रॉब्लम को, फिर देख लें 2 का 2। अब tan 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, tan 30 डिग्री ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर, 1 बाय स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है। और अगर टेबल से देखें तो टेबल क्या है, tan 30 डिग्री ये tan है, 30 डिग्री 1 बाय स्क्वायर रूट 3 के ही इक्वल है। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करवा देंगे 2 का 2, tan 30 डिग्री की जगह क्या आ जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 3, देन डिनोमिनेटर में आ जाए तो 1 का 1 माइनस का माइनस, tan 30 डिग्री 1 बाय स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आ गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी यहाँ पर लिख लें। फिर 2 1 जा क्या आ गया, 2 आ गया, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, 1 का 1 माइनस का माइनस, 1 बाय स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर भी अप्लाई होगा इधर भी होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और जब इधर अप्लाई हुआ तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और 3 का 3 आ गया, 2 बाय स्क्वायर रूट 3 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा। मैंने आपको क्या कहा, जस्ट आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, जब यहाँ पर कुछ नहीं होना डिनोमिनेटर में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेना माइनस का माइनस, जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सेम आ जाएगा। 2 बाय स्क्वायर रूट 3 आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 में से 1 को माइनस करवाएं 2 आ गया, डिनोमिनेटर में 3 का 3 आ गया, फिर यहाँ पर 2 बाय स्क्वायर रूट 3 आ गया और ये उल्ट गया 3 बाय 2 आ गया, जैसे पहले हुआ था ना 2 बाय 3 है तो 3 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे ही रह जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 3 1 जाए 3 आ गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 आ गया। फिर 3 को बाय स्क्वायर रूट 3 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3 के, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सारा एक्सप्लेन किया है ना। तो हमारे पास क्या आया है, स्क्वायर रूट 3। अब देखें तो tan 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है, tan 60 डिग्री
स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है, तो सही है, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर हम cos 60 डिग्री देखते हैं तो cos 60 डिग्री तो 1/2 के इक्वल है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। sin 60 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3/2 के, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। tan 60 डिग्री मैं बता चुकी हूँ वो स्क्वायर रूट 3 के ही इक्वल है, और sin 30 डिग्री देखें तो वो 1/2 के इक्वल है। इसका क्या मतलब है, हमने सॉल्व इसको किया प्रॉब्लम को, हमारे पास स्क्वायर रूट जो है 3 आंसर आ गया, और इनमें से tan 60 डिग्री ही स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। समझ आ गया, तो जो हमने फर्स्ट सॉल्व किया था उसमें sin 60 डिग्री मतलब जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। फिर आ जाएँ यहाँ पर, तो हमारे पास क्या हुआ, ये जो इसका था कि इसमें हमारे पास क्या आया, सेकंड को सॉल्व किया तो 0 जो है हमारे पास करेक्ट आंसर था। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 0 डिग्री जो है करेक्ट ऑप्शन था, ए ऑप्शन। और जब इसको सॉल्व किया तो इसका जो है हमारे पास सी करेक्ट ऑप्शन है, ओके, tan 60 डिग्री। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।